दंतेवाड़ा में वैलेंटाइन डे के मौके पर पुलिस प्रशासन की पहल पर पहली बार 15 आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली जोड़ों ने विवाह रचाया। इसमें खास बात यह रही कि इस विवाह कार्यक्रम में पुलिस वाले बाराती बनकर आए। पुलिस लाइन कार्ली में सामूहिक विवाह का यह अनूठा आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 15 आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। विवाह मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत किया गया। इस अनूठी शादी की जिम्मेदारी महिला व बाल विकास विभाग को दी गई थी। पूरे बस्तर संभाग में पहली बार ऐसी शादी देखने को मिली है। गौरतलब है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत इन सभी 15 जोड़ों ने समर्पण किया था। इससे पहले भी नक्सल पंथ छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए नक्सलियों की बस्तर संभाग के कई जिलों में शादी कराई जा चुकी है, लेकिन सामूहिक विवाह का आयोजन पहली बार हुआ है। इस समारोह में आदिवासी संस्कृति व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सारी रस्में निभाई गईं। इसके साथ ही प्रत्येक दंपति को 35,000 रुपए तक के उपहार महिला व बाल विकास विभाग की तरफ से दिए गए। इस शादी में दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव की अहम भूमिका रही। वे बाराती बन के पहुंचे और खूब नाच गान किया और सभी आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान सभी वैवाहिक जोड़े काफी खुश नजर आए। 15 संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।